पानीपत की महिला थाने की उपयोगिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि थाने की कारगुजारियां अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रही हैं। दरअसल थाने में एक साथ हुई घटनाओं ने थाने का इम्तिहान लिया, जिसमें थाना कसौटी पर खरा नहीं उतरा। प्रदेश में खुले महिला थानों को 3 साल होने वाले हैं, पर पानीपत महिला थाने की उपयोगिता और सार्थकता पर अब भी बहस हो सकती है, क्योंकि मंगलवार को महिला थाने के बाहर और 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 ऐसी घटनाएं हुई जिनमें हुड़दंग करने वाली महिलाएं ही थीं। जिस तरह के आरोप हैं, इन दोनों ही मामलों में आरोपी महिलाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर हुआ कुछ नहीं। बुधवार को एएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला उठा भी। ये शुगर करते कि महिला पुलिस की जो फंक्शनिंग है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो इमेज है, उसमें थोड़ा सा और सुधार। डेफिनेटली मैं इस चीज को तहे से स्वीकार करता हूँ कि हमें और सुधारों की जरूरत है। इसके संबंध में डीसीपी साहब ने भी एक मीटिंग भी ली थी, शायद आप लोगों से इसका ज्यादातर को पता नहीं होगा, जिसमें मैंने पैन हरियाणा की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें महिला पुलिस थानों की जो चलने की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर मंथन किया गया था कि क्या हमें कुछ सुधारों की जरूरत है। दरअसल महिला थाने के बाहर पति पत्नी के झगड़े में फोर्च्यूनर में सवार एक महिला, जिसे बीजेपी नेत्री बताया जा रहा था, उसने लड़की पक्ष की तरफ से कुरुक्षेत्र से आए लड़के पक्ष के लोगों से मारपीट की, उनकी गाड़ी तोड़ दी। दूसरी घटना में 1 किलोमीटर की दूरी पर कार सवार महिला ने खूब हुड़दंग किया और लोगों से मारपिटाई कर गंदी गंदी गालियां दी। कोई लेडीज थी जिसकी फॉर्चूनर गाड़ी थी, और फॉर्चूनर गाड़ी होने के साथ साथ उसने मतलब उसके अंदर 8-10 लड़के बिठाए हुए थे, और वो लड़की उस औरत ने बहुत बदतमीजी से मेरी मदर से और मेरे मामा जी से भी बहुत बदतमीजी से बातचीत की है, मेरी मासी से भी बहुत बदतमीजी से बात की है उसने, और उन्होंने मतलब यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा। हम महिला थाने में आते तो अपने जो है एक न्याय के लिए है, लेकिन यहाँ पर भी हम अगर पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है तो फिर इस तरीके से महिला थाने क्यों खोले गए हैं। आजकल पानीपत के महिला थाने पर सुबह से शाम तक मेले जैसा नजारा होता है। थाने के अंदर और बाहर झगड़े और मारपीट भी होती है। रात 8-9 बजे तक लोग मंडराते दिखते हैं, यानी महिला पुलिस थाने के स्टाफ की पेशेवर ट्रेनिंग, छवि और विश्वसनीयता पर बड़े अफसरों का गौर फरमाना जरूरी है। मर्जी है आपकी, आखिर प्रतिष्ठा है आपकी। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।